दोस्तों, वेलकम टू रिहाज फिल्म रिव्यू। कुत्ते मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आया है। जैसा नाम है वैसी ही पिक्चर होने वाली है, चालाकी और चालबाजी से भरी हुई। इसमें आपको बेहतरीन कास्ट देखने को मिलेगी। ये स्टोरी होने वाली है कैश से भरे एक वैन की, जिसके पीछे तीन गैंग हैं और तीनों का प्लान लूटने का सेम है। अब तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। अब इतने कन्फ्यूजन में कौन माल उड़ाएगा या किसी को नहीं मिलेगा, स्टोरी इस बारे में है। इस पूरा जो भसड़ फैला हुआ है, स्टोरी इसी के अराउंड घूमने वाली है। साथ में पुलिस भी अपना हिस्सा लेना चाहती है। इसको डायरेक्ट किया है आसमान भारद्वाज ने। ये विशाल भारद्वाज के बेटे हैं। बैकग्राउंड में आपको कमीने फिल्म की म्यूज़िक मिलेगी, वो शाहिद और प्रियंका वाली। वैसे तो विशाल भारद्वाज ने इससे लिखा है तो अच्छी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले हैदर, इश्किया, ओमकारा और कमीने जैसी अच्छी मूवीज़ दी है। इसमें आपको अर्जुन कपूर, तब्बू, नसरुद्दीन शाह, राधिका मदान, कोंकणा सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। मूवी में बोल्ड कंटेंट, गाली जैसी चीज़ें आम हैं, आपको आराम से ये देखने को मिलेगा। इसलिए हो सके तो या तो अकेले देखें या बच्चों को एटलीस्ट अपने साथ ना ले जाएं। अर्जुन कपूर और तब्बू मूवी में इंस्पेक्टर बने हैं। तब्बू की एक्टिंग और परसोना बहुत ही अच्छी लग रही है, और वैसे भी आजकल तब्बू जो जो पिक्चरें कर रही हैं वो अच्छी निकल रही हैं, एंटरटेनिंग निकल रही हैं और साथ ही साथ सक्सेसफुल भी हो रही हैं। वहीं कोंकणा भी वाइल्ड अवतार में देखने को मिली हैं। वहीं राधिका मदान इस मूवी में काफ़ी बोल्ड, वाइल्ड और सेंशुअल कैरेक्टर में देखने को मिल रही हैं, और काफ़ी गाली गलौज भी देते दिख रही हैं। मूवी एंटरटेनिंग लग रही है और लग रहा है अच्छी कॉमेडी देखने को मिल सकती है। स्टोरी वाइज मूवी अच्छी लग रही है। स्पेशली मुझे लगता है डायरेक्शन इम्प्रेसिव होगा इस मूवी का। बाकी ये ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म अच्छी हो इसकी बस उम्मीद ही कर सकते हैं। अर्जुन कपूर डाउट है, क्योंकि वो किसी में ठीक काम करते हैं और किसी में उनका काम बहुत ही बेकार निकलता है। मगर बाकी कास्ट ज़्यादातर अच्छी मूवीज़ का हिस्सा बनते दिखे हैं, चाहे वो नसरुद्दीन हो, कोंकणा हो या फिर तब्बू हो। ट्रेलर के लिए थम्स अप, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर निकला है। ये आपको 13 जनवरी 2023 में थिएटर में देखने को मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब